हेलो चिल्ड्रन ऑफ लाइट, जय मसीह की। आप सभी लोगों को इस प्रोग्राम में हम स्वागत करते हैं। तो चिल्ड्रन ऑफ लाइट, हम यकीन मानते हैं कि आप सभी लोग घर पर खुश और सुरक्षित हैं। तो चिल्ड्रन ऑफ लाइट, मैं आपको बताना चाहता हूँ, हर बार की तरह इस बार भी हमने इस प्रोग्राम में नया एक्शन सॉन्ग, बाइबल वर्स और स्टोरी लाए हैं। तो क्या आप मेरे साथ इस प्रोग्राम में आगे बढ़ने के लिए तैयार हैं? तैयारी तो बोलो ओ यस। तो चिल्ड्रन ऑफ लाइट, हमेशा कोई भी काम हम करते हैं तो उसे शुरुआत प्रार्थना के साथ करना चाहिए। इस प्रोग्राम को भी हम प्रार्थना के साथ शुरुआत करेंगे। तो प्रार्थना करने के लिए हम स्वागत करेंगे हमारे चेंबूर कृपासनम चर्च ऑफ क्राइस्ट के सिस्टर रूबी जी को। धन्यवाद करते हमारे प्यारे प्रभु, हम आपके चरणों में आते हैं हमारे प्यारे परमेश्वर। पिता, हम प्रार्थना करते पिता, हे मेरे प्यारे परमेश्वर, हम प्रार्थना करते चिल्ड्रन ऑफ लाइफ प्रोग्राम के लिए परमेश्वर। पिता, इस प्रोग्राम में जो भी परमेश्वर भाग ले रहे, हर एक को परमेश्वर आशीषित कीजिए। जो बच्चे परमेश्वर पिता इस चिल्ड्रन ऑफ लाइफ में भाग ले रहे परमेश्वर, उन सारे बच्चों को परमेश्वर आप आशीष से, ज्ञान से और बुद्धि से भर दीजिए। हर एक बच्चे के शरीर में सुख बल आरोग्य दीजिए। जो जो बच्चे इस प्रोग्राम को देख रहे परमेश्वर, उन सारे बच्चों को आपके ज्ञान से परिपूर्ण कीजिए। हर एक बच्चा परमेश्वर उनके परिवार के द्वारा पिता, उनके परिवार में आशीषित होना है। उनके माँ बाप उन बच्चों के द्वारा आशीषित होना है परमेश्वर। जो इस प्रोग्राम को चला रहे परमेश्वर, सारे लोगों को परमेश्वर आप आशीषित कीजिए। हर एक को आपके ज्ञान और बल से, सामर्थ्य से भर दीजिए। इस प्रोग्राम के लिए आपको धन्यवाद करते हैं हमारे प्यारे प्रभु। प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं इस चिल्ड्रन ऑफ लाइट को आप विशेष रूप से आशीर्वादित कीजिए। हर एक जन देखने के लिए, इसे उनका जीवन बदलने के लिए, हर एक बच्चा आपके भय से चलने के लिए परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं चिल्ड्रन ऑफ लाइट प्रोग्राम को विशेष रूप से आशीर्वादित कीजिए। इसको करने वाले, बनाने वाले हर एक भाई बहन को परमेश्वर आप आशीर्वादित कीजिए। सभी को आपके ज्ञान और बल से भर दीजिए, आपके सामर्थ्य से भर के चलाइए परमेश्वर। सब कुछ आप ही के हाथों में सौंपते पिता, आप दया और रक्षा करने वाले परमेश्वर है। हर एक बच्चा आपके नाम की महिमा गाना है परमेश्वर। इस प्रोग्राम को देखने वाले हर एक जन परमेश्वर आपके नाम की महिमा गाकर परमेश्वर उनके परिवार में वो आशीष का कारण बनना है परमेश्वर। सारे बच्चों को मैं आपके हाथों में सौंपती हूँ। अनेक लोग इस प्रोग्राम को देख के आशीषित पाने के लिए हम आपके हाथों में सौंपते हमारे अच्छे प्यारे प्रभु, आपके मीठे नाम से मांगते पिता, आमेन। थैंक यू रूबी जी। तो चिल्ड्रन ऑफ लाइट, अभी हम आगे बढ़ेंगे एक्शन सॉन्ग सीखने के लिए। तो एक्शन सॉन्ग सिखाने के लिए हम स्वागत करेंगे हमारे जेनिफर और जैस्मिन जी को। हाय, प्रेज द लॉर्ड चिल्ड्रन ऑफ लाइट। जैस्मिन, तुम्हें पता है परमेश्वर हमारे साथ है? हाँ, क्या किधर है? मुझे तो नहीं दिख रहे। अच्छा ठीक है, तुझे मैं समझाती हूँ एक एक्टिविटी के द्वारा। अभी हम एक एक्टिविटी करने वाले हैं, उसके लिए दो कटोरी है और कटोरी में बॉल रखा गया है। वो बॉल को एक कटोरी से दूसरे कटोरी में पास करना है, वो भी बिना टच किए। बिना टच किए? हाँ ठीक है, करके दिखाएगी? हाँ ठीक है। जैस्मिन, तूने कैसे किया है, बॉल को कैसे पास किया है? ये मैंने फूंकने से, मेरे अंदर के हवा के वजह से वो एक कटोरी से दूसरे कटोरी में चला गया था। ओके, तो ये हवा को देख सकती है? हवा को तो मैं देख नहीं सकती हूँ, हाँ लेकिन महसूस कर सकती हूँ। वैसे ही परमेश्वर को हम देख नहीं सकते मगर महसूस कर सकते हैं। जब परमेश्वर हमारे साथ है, जब हमें चलाता है, वो हम लोग महसूस कर सकते हैं। और परमेश्वर हमारे द्वारा बड़े बड़े कार्य जब करते हैं, तभी दूसरे लोग भी वो महसूस कर सकते कि परमेश्वर हमारे साथ है। बाइबल में हम पढ़ सकते हैं, जब इज़राइल लोगों को मिस्र देश से परमेश्वर मूसा के द्वारा गुलामीपन से छुड़ा कर लेके आए, जब वो रेगिस्तान में चला आए, 40 साल उन लोग रेगिस्तान में थे, तब परमेश्वर उनके साथ रहकर बहुत कुछ अर्पित कार्य उनके लिए किए। और जब इज़राइल लोगों को कानान देश में प्रवेश करना था, तभी उन्हें एक युद्ध करना था, तो युद्ध के लिए परमेश्वर उनके साथ ही थे, साथ रहकर उनको जय दिए। वो तो वो कानान में जो भी लोग थे, वो ये महसूस किए कि परमेश्वर उनके साथ है। वैसे ही परमेश्वर हमारे साथ रहकर हमें चलाते हैं और दूसरे लोग भी ये महसूस करते कि परमेश्वर हमारे साथ है। तो समझा अभी? हाँ मुझे समझा। तो हम अभी लिरिक्स सीखने वाले हैं, उसके बाद एक्शन करने वाले। लिरिक्स सीखने के लिए आप तैयार हो? तैयार हो तो बोलो ओ यस। यीशु जब है साथ में मेरे, डरूंगा नहीं, घबराऊंगा नहीं मैं। चलो गाएंगे।
यीशु जब है साथ में मेरे, डरूंगा नहीं घबराऊंगा नहीं मैं। दानियल की तरह प्रार्थना करूंगा, यीशु मेरे साथ अर्धम रहेगा। चलो गाएंगे। दानियल की तरह मैं प्रार्थना करूंगा, यीशु मेरे साथ हरदम रहेगा। दाऊद की तरह आराधना करूंगा, यीशु मेरे साथ हरदम रहेगा। चलो गाएंगे। दाऊद की तरह मैं आराधना करूंगा, यीशु मेरे साथ हरदम रहेगा। क्या बच्चों, आपको लिरिक समझ में आया? अभी हम एक्शन करने वाले हैं। एक्शन करने के लिए हमें क्या करना है? अपने जगह पर खड़े होकर हमें देख के एक्शन करना है। अगर तैयार हो तो बोलो ओ यस। यीशु जब है साथ में मेरे, डरूंगा नहीं घबराऊंगा नहीं मैं। यीशु जब है साथ में मेरे, डरूंगा नहीं घबराऊंगा नहीं मैं। दानियल की तरह मैं प्रार्थना करूंगा, यीशु मेरे साथ हरदम रहेगा। दानियल की तरह मैं प्रार्थना करूंगा, यीशु मेरे साथ हरदम रहेगा। यीशु जब है साथ में मेरे, डरूंगा नहीं घबराऊंगा नहीं मैं। यीशु जब है साथ में मेरे, डरूंगा नहीं घबराऊंगा नहीं मैं। दाऊद की तरह मैं आराधना करूंगा, यीशु मेरे साथ हरदम रहेगा। दाऊद की तरह मैं आराधना करूंगा, यीशु मेरे साथ हरदम रहेगा। यीशु जब है साथ में मेरे, डरूंगा नहीं घबराऊंगा नहीं मैं। यीशु जब है साथ में मेरे, डरूंगा नहीं घबराऊंगा नहीं मैं। तो चिल्ड्रन ऑफ लाइट, आपको इस गाने से क्या पता चला? हमें ये गाने से ये पता चलता है कि यीशु हमारे साथ हमेशा रहते हैं। और उतना ही नहीं, हमें दानियल और दाविद के तरह प्रार्थना और आराधना करना है। चलो अभी दोबारा एक्शन करने के लिए तैयार हो? तैयार हो तो बोलो ओ यस। जब है साथ में मेरे, डरूंगा नहीं घबराऊंगा नहीं मैं। यीशु जब है साथ में मेरे, डरूंगा नहीं घबराऊंगा नहीं मैं। दानियल की तरह मैं प्रार्थना करूंगा, यीशु मेरे साथ हरदम रहेगा। दानियल की तरह मैं प्रार्थना करूंगा, यीशु मेरे साथ हरदम रहेगा। यीशु जब है साथ में मेरे, डरूंगा नहीं घबराऊंगा नहीं मैं। यीशु जब है साथ में मेरे, डरूंगा नहीं घबराऊंगा नहीं मैं। दाऊद की तरह मैं आराधना करूंगा, यीशु मेरे साथ हरदम रहेगा। दाऊद की तरह मैं आराधना करूंगा, यीशु मेरे साथ हरदम रहेगा। यीशु जब है साथ में मेरे, डरूंगा नहीं घबराऊंगा नहीं मैं। यीशु जब है साथ में मेरे, डरूंगा नहीं घबराऊंगा नहीं मैं। थैंक यू जेनिफर और जैस्मिन जी। तो चिल्ड्रन ऑफ लाइट, इस एक्शन सॉन्ग में हमने क्या सीखा? हमने ये सीखा कि हमें दानियल के जैसा हमेशा प्रार्थना करते रहना है और दाऊद जैसा हमेशा आराधना करना है। परमेश्वर हमारे साथ रहेंगे, हमारी रक्षा करेंगे। तो बच्चों अभी हम आगे बढ़ेंगे स्टोरी के लिए। तो स्टोरी बताने के लिए हम स्वागत करेंगे हमारे डेविड ब्रदर को। प्रेज लॉर्ड चिल्ड्रन ऑफ लाइट। तो अभी हम आए हैं स्टोरी टाइम में। आज हम कहानी सुनने वाले हैं एक परमेश्वर से प्रार्थना करने वाले एक व्यक्ति के बारे में।
तो एक दिन ये रात को ये व्यक्ति परमेश्वर से प्रार्थना कर वो सो गया। और जब वो एकदम गहरी नींद में था तब उसे एक सपना आया और उस सपने में वो परमेश्वर के साथ समुद्र के तट में वो चलकर जा रहा था। और जब वो चल रहा था उसे बचपन से उसके जीवन में जो भी संभव हुए वो सब संभव उसे दिखाई दे रहे थे। तो कुछ संभव में वो बहुत खुश था, आशीर्वाद के साथ था, और कुछ संभव में वो बहुत दुख, व्याकुल और कष्ट में था। और तो ये सब संभव देखकर जब वो पलटा तो उसने देखा कि जब जब वो खुश था और जब जब उसके पास आशीर्वाद था तब तब उसे दो दो कदमों की जोड़ियां दिख रहे थे, मगर जब वो दुखी और व्याकुल और कष्ट में था केवल एक ही कदमों की जोड़ियां दिख रहे थे। तो ये देखकर उसे लगा कि परमेश्वर उसे दुख और व्याकुल और कष्ट के समय में छोड़कर चले गए। तो इसलिए उसने परमेश्वर से पूछा, परमेश्वर जब मैंने अपना जीवन आपको दिया तब आपने तो कहा कि आप हमेशा मेरे साथ रहोगे, मगर ऐसा क्यों है कि जब जब मैं दुखी और व्याकुल था तब केवल मुझे एक ही कदमों की जोड़ियां दिख रहे हैं। तो तब परमेश्वर ने काफी शांतिपूर्वक और प्रेम से उसे उत्तर दिया और कहा कि जब जब वो खुशी और आनंद के साथ और आशीर्वाद के साथ था तब तब परमेश्वर उसके साथ बगल में उसके साथ चल रहे थे, इस कारण उसे दो कदमों की जोड़ियां दिख रहे हैं। मगर जब वो दुखी व्याकुल और कष्ट में था तब परमेश्वर उसे उठाकर कंधों में रख के चलने के कारण उसे केवल एक ही कदमों की जोड़ियां दिख रहे हैं, जो कि वो कदमों की जोड़ियां किसके हैं? परमेश्वर यीशु मसीह के हैं। तभी उस व्यक्ति को समझ में आया कि परमेश्वर हमेशा उसके साथ रहते हैं। इसी प्रकार हमारे जीवन में शायद हम आशीर्वाद के साथ हो या फिर हम कष्ट के साथ हो, मगर हर समय परमेश्वर हमारे साथ रहते हैं। ठीक है बच्चों, हम फिर मिलेंगे एक और प्रोग्राम में एक नए कहानी के साथ। थैंक यू डेविड ब्रदर। तो स्टोरी आपको कैसा लगा? तो चिल्ड्रन ऑफ लाइट, मैं यकीन मानता हूँ कि आप सभी लोगों को बहुत अच्छा लगा होगा, क्योंकि मुझे तो बहुत अच्छा लगा। परमेश्वर हमेशा हमारे साथ रहते हैं, हमारे मुश्किल के समय हो या फिर हमारे खुशी के समय हो, हमेशा परमेश्वर हमारे साथ रहते हैं। जब हम तकलीफ में रहते हैं परमेश्वर हमें उठाकर चलते हैं ताकि हमें ज़्यादा तकलीफ ना हो। तो चिल्ड्रन ऑफ लाइट, अभी हम आगे बढ़ेंगे वचन सीखने के लिए। वचन सिखाने के लिए हम स्वागत करेंगे हमारे ब्रदर एलेक्स जी को। हाय चिल्ड्रन ऑफ लाइट, जय मसीह की। तो बच्चों, आज हम एक वचन सीखने वाले हैं, वचन संहिता का पुस्तक 46:7। सेना का यहोवा हमारे संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। तो आप मेरे पीछे रिपीट करने वाले हो, सेनाओं का यहोवा हमारे संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। और एक बार, सेनाओं का यहोवा हमारे संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। आप सीखेंगे इंग्लिश में, बुक ऑफ साम्स चैप्टर 46:7। द लॉर्ड ऑफ होस्ट इज विथ अस, द गॉड ऑफ जेकब इज आवर रिफ्यूज। आप चे रिपीट करने वाले हो, द लॉर्ड ऑफ होस्ट इज विथ अस, द गॉड ऑफ जेकब इज आवर रिफ्यूज। और एक बार, द लॉर्ड ऑफ होस्ट इज विथ अस, द गॉड ऑफ जेकब इज आवर रिफ्यूज। परफेक्ट। तो बच्चों, फिर मिलूंगा, जब तक बाय। थैंक यू एलेक्स ब्रदर। तो चिल्ड्रन ऑफ लाइट, इस वचन को आप रोज याद करो और मन में रखो। तो अभी हम आखिरी समय में आए हैं, तो अंत के प्रार्थना करने के लिए हम स्वागत करेंगे हमारे कृपासनम चर्च ऑफ क्राइस्ट के सिस्टर प्रियंका जी को। पिता परमेश्वर, पिता परमेश्वर, आपको धन्यवाद करती हूँ पिता परमेश्वर। प्रभु आपने इस चिल्ड्रन ऑफ लाइट प्रोग्राम को प्रभु आशीर्वाद किया, इसलिए आपको धन्यवाद करती हूँ पिता परमेश्वर। प्रभु इस समय को प्रभु आपके हाथों में सौंपती हूँ प्रभु पिता परमेश्वर। इस प्रोग्राम को चलाने वाले सबको पिता परमेश्वर आप आशीर्वाद कीजिए, देखने वाले बच्चों को, उनके पेरेंट्स को पिता परमेश्वर आप सबको आशीर्वाद कीजिए पिता परमेश्वर। इस छोटी सी प्रार्थना को आपके चरणों में रखती हूँ पिता परमेश्वर, आप सब बच्चों को आशीर्वाद कीजिए पिता परमेश्वर। प्रभु आपकी दया कृपा से प्रभु भर दीजिए बस पिता परमेश्वर, आप कार्य कर रहे इसलिए आपको धन्यवाद करती हूँ, क्योंकि सुनर की प्रार्थना को आपके चरणों में रखती हूँ। आमीन। थैंक यू प्रियंका जी। तो चिल्ड्रन ऑफ लाइट, इस पूरे प्रोग्राम में हमने क्या सीखा? हमने ये सीखा कि परमेश्वर हमेशा हमारे साथ रहते हैं, हमारी रक्षा करते हैं, और हमें तकलीफ के समय में हमें हमारे साथ चलते हैं, हमें उठाकर चलते हैं। तो हमें हमेशा याद रखना है कि परमेश्वर हमारे साथ हैं।
तो बच्चों मैं आपको और एक चीज़ बताना चाहता हूँ, इस कोरोना के समय में आप जब भी बाहर जाते हैं तो मास्क यूज़ कीजिए, हाथ धोने के लिए सैनिटाइजर यूज़ कीजिए और सुरक्षित रहिए। तो बच्चों फिर मिलेंगे अगले प्रोग्राम में, तब तक के लिए बाय, जय मसीह की।